अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनालका किचन। आज हम आपको पोटैटो की नई रेसिपी दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, तो रहिए मेरे साथ और फॉलो कीजिए मेरी रेसिपी। तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अच्छा, हमने पैन चूल्हे पे रखा है, हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और गर्म करने के लिए रख दिया। थोड़ी भी कम देखिए मेरे साथ, 8 से 10 आलू हैं। आजकल नए आलू चले हैं, इनका बहुत बारीक छिलका ऐसे मैंने उतारा नहीं, छिलके के साथ लीजिए, उतारेंगे तो ये डी शेप हो जाएंगे। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, इमली का बल्ब 1/2 कप, इमली को भगो दीजिए और ये पल्प निकाल लीजिए। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून इमली है, इसमें शामिल कर रहे हैं हम। बहुत ही आसान रेसिपी है। 1/2 टी स्पून सॉल्ट है, गर्म मसाला 1/2 टी स्पून है मेरे पास, और मेरे पास हल्दी है ये 2 पिंच और 2 पिंच ही मिर्च है। मिर्च तेज़ है तो इसकी मैंने थोड़ी डाली, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं आमचूर की तरह। 2 पिंच मेरे पास हल्दी है, 2 पिंच मेरे पास रेड क्रश चिली है, 1/2 टी स्पून मेरे पास आमचूर है, 2 पिंच ही मेरे पास गर्म मसाला और 1/2 टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है। ये इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं, आलू बॉयल्ड है। आपको बता दिए, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये लहसुन अदरक क्रश है, ये मैंने डाल दिया आलू। थोड़ा सा हम सौते करते हैं इसको, इस प्याज को यूज नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमें इसे, ये ब्राउन नहीं करना। एक तरह से खट्टे आलू आप समझ लीजिए, मेरी खुद की रेसिपी है। इस रेसिपी में चाट मसाला भी डालेंगे, वो ऐड से हम डालेंगे, इसे अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है। वो इंग्रेडिएंट्स ड्राई हम डाल रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा कुक करके, और ज़्यादा नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा कुक हो गया तो बाद में भी पकता रहेगा, थोड़ा सा हल्दी के साथ इसमें पकना है। हल्दी का पल्प शामिल कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा पकाते हैं। इमली डालने के बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं, 1 by 1 सारे आलू डालिए। रेसिपी मेरी काफ़ी देर पहले मैंने बनाई थी और बहुत अच्छे बाद अब दोबारा ही ट्राई किए। बस ये कि आलू थोड़े से एक जैसे नहीं है, थोड़े तेज जैसे हो तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा हम इसे इसमें कुक करेंगे, आप चाहे तो 2 पीस में कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐसे ही रखा, ठीक है। और इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे, फिर बाद में भी हमने भूनना है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला आलू के अंदर तक चला जाए। के रख देते हैं 15 मिनट के लिए, इसे ड्राई करना है हमने टोटल, और फिर आपको इसके फाइनल दिखाते हैं। अच्छा, मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई किया, मैंने तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी डाल रहा हूँ, पानी को हम तकरीबन ड्राई होने के करीब लेके आना है। अभी रेडी है, इनके अंदर मसाला और खटाई जा चुकी है। थोड़ी देर में हम इसे फ्लेम ऑफ करते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद। अच्छा, आप देख सकते हैं इसका पानी मैंने तकरीबन ड्राई कर लिया, थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी सी छोड़ी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला, अगर आपके पास है तो 2 चुटकी से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तेज़ हो जाएगा। 2 चुटकी चाट मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अब हम इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें, इसकी लुक वो बढ़ाएंगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा, ये आपकी मुकम्मल हो गई है। इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी रेसिपी फाइनल डिश में डाल के। आप इसकी आलू की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, चैनल पर आइए और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगी, यकीनन पसंद आएंगी। रेसिपीज लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स में बताइए अच्छी लगी या नहीं, अगर आपने ट्राई की या कुछ और देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो ये होगी वेजिटेबल डिश पोटैटो, ठीक है, ये छोटे छोटे पोटैटो के साथ बनाइए तो अच्छी लगेगी आपको।
तो आइंदा जिंदगी रही मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी प्रेजेंटेशन मुकम्मल होगी। जिंदगी रही तो आइंदा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।